Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Hrishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, thumbnail dekh ke aapko pata lag gaya ki aaj ka ye session jo hai kitna interesting hone wala hai aur actually mein guys, ye session bahut zyada interesting hai kyunki aaj aapko kuch aisa seekhne ko milega jo shayad hi YouTube mein aapko seekhne ko mila ho aur ye kahin na kahin mera confidence hai. Challenge to nahi karunga, ho sakta hai there are hundreds nahi thousands aur lakhs mein content hai YouTube mein to kahin na kahin hoga, but jo aaj main bata raha hu definitely aap mein se maximum logo ko nahi pata hoga, lekin wo bahut amazing ek trick hai jo maine use karna start kiya hai aur mujhe uska result mil raha hai, tabhi main aap logo ke sath share kar raha hu. Aur aapko pata hai ki koi bhi ek nayi cheez mujhe milti hai ya fir naya kuch bhi experiment karta hu, main aap logo ke sath hand to hand se share kar deta hu. To guys, aaj ka jo content hai wo is pe depend hai ki bahut zyada हमें अपने ब्लॉग को रैंक कराने के लिए, अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए कंटेंट की जरूरत होती है, रिटन कंटेंट की. और रिटन कंटेंट के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, या तो अगर मुझे आता है तो मैं काफ़ी टाइम लगा के उसे कंटेंट को लिखता हूँ और वो कंटेंट लिखने में मेरा पूरा दिन चला जाता है, काफ़ी टाइम चला जाता है उसे लिखने में या उसको एडिट करने में, या फिर मैं किसी कॉन्टेंट राइटर को हायर करता हूँ जिसको मुझे पे करना होता है. तो अब इन दोनों केसेस में क्या होता है कि मेरा कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट या मनी वेस्ट जरूर होता है. आज इस सेशन में मैं आप लोगों को इसी का एक ऑल्टरनेटिव देने वाला हूँ, जो कि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे कॉन्टेंट को लेकर ऑल्टरनेटिव मैंने दिए हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो गाइज मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने आपको अनलिमिटेड आर्टिकल कैसे मिले और कैसे आप यूज कर सकते हो, कहीं से ले सकते हो, वो भी प्लेजरिज्म फ्री. आप उस वीडियो को जरूर देख लेना. और आज का भी मैं एक नया तरीका बता रहा हूं कि आपको अनलिमिटेड आर्टिकल या कंटेंट मिल सकता है, वो भी बिल्कुल प्लेजरिज्म फ्री, और आप उसे यूज कर सकते हो. तो गाइस, ऐसा आर्टिकल जो कि प्लेजरिज्म फ्री हो, गूगल के पास ऑलरेडी नहीं है और आपको मिल जाए और आप उसे यूज कर लो, तो वो तो कॉन्टेंट आपका हुआ. अब कॉन्टेंट से ही ट्रैफिक जनरेट होता है, तो आपके पास ट्रैफिक जनरेट करने के लिए SEO SMO सब कुछ है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तो आप वो भी देख के कर सकते हो. सो गाइस, आज का ये सेशन मान के चलो बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए. आप इसको जरूर जरूर पूरा देखो क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने बताए हैं. और सेकंडली गाइस, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूं और ये पूरा प्रोसेस जो है दिखा देता हूं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैं करता हूं, आपको भी वही चीज करनी है. गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के बहुत ही अमेजिंग न्यू अपडेटेड ट्रिक्स एंड टिप्स आपको यहां पर मिलते हैं, स्ट्रेटजीज मिलती हैं, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना चाहिए. ओके, तो गाइस, और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लो, टिकटॉक पे मेरे फॉलोअर्स बन रहे हैं, आप लोग ही हो, क्योंकि टिकटॉक पे भी मैं छोटे छोटे वीडियोज डालता रहता हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करता है टिकटॉक के अंदर ही डिजिटल मार्केटिंग को सीख लेने का. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ. सो हम आ गए हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड हियर आई एम गोइंग टू शो यू कि वो मैजिकल तरीका क्या है जिससे आप अगेन अनलिमिटेड आर्टिकल, वो भी इंग्लिश में, आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हो. और वो सारे आर्टिकल जो मैं यहाँ पर बताऊंगा उसमें से मोस्टली ऐसे होंगे जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, एंड बिल्कुल वो भी रहेगा प्लेजरिज्म फ्री, मतलब गूगल को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है. गूगल को आज से पहले वो कंटेंट कहीं नहीं मिला तो वो आपके कंटेंट को वो यूनिक ही मानेगा. तो प्लेजरिज्म फ्री मतलब यही होता है कि गूगल को वो कंटेंट पहले से कहीं दिखाई नहीं है तो वो आपका कंटेंट माना जाएगा और आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक उससे जनरेट कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट इज द किंग, कंटेंट से ही ट्रैफिक आता है. तो मैं गाइस जल्दी से वो तरीका बता देता हूँ. और उस तरीके के लिए आपको दो मेजर सबसे पहले प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे, और उसमें से फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वो आर्टिकल ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल वो मैगजीन का वो कटिंग या फिर किसी न्यूज़पेपर का वो कटिंग, जिस कटिंग से आपको कंटेंट को फेच करना है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गाइस, मैगजीन आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ पर मैंने जैसे मैगजीन आर्टिकल किया तो गाइज यहाँ पर आपको जाना है इमेजेस में आपको जाना है और आपको यहाँ पर बहुत सारे मैगजीन के जो कटिंग है वो मिल जाएंगी. ये जस्ट मैं आपको डेमो पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, बट बेसिकली आपको क्या करना है, आपको वही वाला आर्टिकल पिक करना है या वही वाला न्यूज़पेपर की कटिंग पिक करना है जो कंटेंट आपको चाहिए. ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ तो जस्ट एक डेमो पर्पज़ के लिए किया जा रहा है आप लोगों के लिए. अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, फॉर एग्जांपल ये एक मेरा न्यूज़पेपर कटिंग है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये न्यूज़पेपर कटिंग है और मैं चाहता हूँ कि ये जो आर्टिकल है मैं यूज़ करूँ अपनी वेबसाइट के अंदर. लेकिन ये भी बाद में चेक करेंगे कि ये प्लेजराइज काउंट होगा या नहीं होगा, बट मैंने देखा है 95% केसेस में ये प्लेजरिज्म काउंट नहीं होता है, बिकॉज ये प्रिंट मीडिया में प्रिंट हुआ है, ये किसी ऑनलाइन मीडिया में अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है. मेरे केस में मैंने अभी मोस्टली ये देखा है, बट मैं आपको उसका प्रूफ भी दूंगा कि कैसे चेक किया जाता है या फिर ये कैसे मैनेज होता है. तो गाइस सबसे पहले आपको एक आर्टिकल को अपने मोबाइल से या तो आप कैप्चर कर लो, फॉर एग्जांपल आपके पास कटिंग है न्यूज़पेपर की, फिजिकल कटिंग है, तो आप उसका मोबाइल से फोटो खींच लो, या फिर अगर आपको वो आर्टिकल या वो कटिंग या वो प्रिंट मीडिया का वो पर्टिकुलर स्नैपशॉट इंटरनेट पे कहीं मिल जाता है, लाइक ये किसी
मैगजीन का स्नैपशॉट है, तो मैंने यहां से ले लिया। अब आपको सिंपल क्या करना है गाइज, आपको एक नेक्स्ट टैब में ओपन करना है स्मॉल SEO टूल्स। आप में से बहुत लोग इसको ज़रूर जानते हो, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, क्योंकि इसके ऊपर मैंने और भी वीडियोस प्रीवियसली बनाई हैं, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जान लो, आज पहली बार भी अगर आप देख रहे हो तो गाइज, ये है smallseotools.com और ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है बिगिनर्स के लिए, जो कि स्टार्टिंग अपना SEO वगैरह से करना की कोशिश करते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, लेकिन इसमें से जो टूल मैं यूज़ करूँगा गाइज, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, वो है इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर। अगेन आई एम रिपीटिंग गाइज, स्मॉल SEO टूल्स में जाके आपको करना है इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर। इसको यूज़ कैसे करना है मैं जल्दी से बता दूं गाइज। अब इसको आप जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अपलोड इमेज। अगर आपके पास कोई इमेज आपके मोबाइल पे है या लैपटॉप में है तो आप यहाँ से सीधा अपलोड कर दो उस इमेज को यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना कि उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर जो भी आप अपलोड करोगे उसके अंदर टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है, अगर टेक्स्ट होगा तो ही ये रीड कर पाएगा। बट अभी जैसे कि मैं कोई भी ऐसा अपलोडेड इमेज को यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। तो अपलोड इमेज आप यहाँ पर कर देना। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो कि एक ऑनलाइन का ही कोई आर्टिकल है, मतलब एक न्यूज़पेपर की कटिंग है या फिर एक मैगजीन कटिंग है, मैं उसको ही लेने वाला हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा। कॉपी इमेज एड्रेस क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर आर्टिकल, इस इमेज से जितने भी ये कंटेंट है इसको ये पिक कर ले। तो गाइज यहाँ पर मुझे वो इमेज का पाथ देना है। जैसे मैं इमेज का पाथ दे दूंगा, मुझे आना है नीचे और क्लिक करना है कन्वर्ट। जैसे मैं कन्वर्ट पर क्लिक कर दूंगा, इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और ये कह रहा है गाइस नॉट अ वैलिड URL, तो दूसरा लेना पड़ेगा। आई होप इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं गाइस, उसके बाद मैं एक दूसरे URL पे चलूंगा। आई होप गाइस इस टाइम ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो लेट्स गो एंड क्लिक ऑन इट, देखते हैं। एंड गाइस ये कोई वैलिड URL काउंट नहीं हो रहा है, तो मैं एक नए URL पे चलता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स गो विद दिस वन गाइज, मैं कोई भी एक रैंडम पिक कर रहा हूँ। एंड एक काम करते हैं, कोई बड़ा इमेज लेते हैं जिसका जो टेक्स्ट है वो बहुत क्लियर है। फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को, क्योंकि ये साइज़ बहुत बड़ा है गाइज, 1200x39, तो इसको आराम से ये जो टूल है ये पढ़ लेगा। तो यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस को क्लिक करना है गाइज, एंड देन यहाँ पर आना है और देन यहाँ पर आके मुझे इसको करना है पेस्ट। जैसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया गाइज, अब मुझे इसको क्लिक करना है कन्वर्ट पे। अब देखते हैं ये मुझे क्या ऑप्शन देता है। ओके तो गाइज यहां पर नाउ ये बहुत अच्छा एक URL था गाइज, नाउ वू यू हैव दैट एंटायर कंटेंट गाइज, ये वो कंटेंट है जो कि आपको वहां से मिला है। अब खुद देखो गाइज, ये जो कंटेंट था ये इस पेज का, मतलब इस पूरे प्रिंट का, इसने यहां पर आपको कंटेंट दे दिया कि वहां पर क्या लिखा था। तो विंसेंट ब्लैक लाइटनिंग आपको यहां पर दिख जाएगा, विंसेंट ब्लैक लाइटनिंग। आई डोंट नो आप यहां पर देख पा रहे हैं नहीं पा रहे, बट एक काम करते हैं इसको मैं ओपन कर लेता हूं सो दैट ये बड़ा दिख जाए और आपको इसको पढ़ने को मिल जाए, राइट? तो मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं कि एग्जैक्ट मैं वही कह रहा हूं जो आप यहां पर देख पा रहे हो। लेट्स क्लिक हियर और इसको मैं बड़ा करता हूं गाइस, यहां पर आपको दिख रहा है विंसेंट ब्लैक लाइटनिंग, और इस पर्टिकुलर आपको आर्टिकल में विंसेंट ब्लैक लाइटनिंग से ही स्टार्ट मिला है। अ विस्टफुल वर्जन एज ऑफ यूथ, अ विस्टफुल वर्जन एज ऑफ यूथ, कैन यू सी दैट गाइज? इससे बेटर ऑप्शन क्या मैं आपको और प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आपको फ्री में आर्टिकल मिल जाए इंग्लिश में अपने कॉन्टेंट के लिए? चलो ये तो रही कि मैंने किसी भी प्रिंट मीडिया से आराम से कॉन्टेंट को पिक कर लिया। वॉट इफ द नेक्स्ट स्टेप? अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है गाइज? नेक्स्ट स्टेप मुझे करना है कॉपी टू क्लिप बोर्ड। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, मुझे ये चेक करना है कहीं ये कॉन्टेंट प्लेजराइज तो नहीं है, कहीं ये कॉन्टेंट गूगल के पास ऑलरेडी तो नहीं है। अगर गूगल के पास ऑलरेडी ये कॉन्टेंट हुआ किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, प्रिंट मीडिया पे नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो गूगल मुझे रैंक नहीं कराएगा गाइस। पेनल्टी वेल्टी कुछ नहीं होती, गूगल के पास कोई राइट नहीं है मेरी वेबसाइट को पेनल्टी देने का। गूगल सिर्फ ये करता है कि रैंक नहीं कराएगा, और रैंक नहीं कराएगा तो मुझे लॉस है ना, तो लॉस ही है, तो उस लॉस को लोग पेनल्टी बोलते हैं। बट एक्चुअली में आपके साइट को बैन नहीं कर देगा गूगल के पास, कोई राइट थोड़ी ना कि मेरी वेबसाइट को वो बैन कर दे, क्योंकि मेरी वेबसाइट है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो मुझे डालूं उसमें। हाँ, ये कंटेंट जो ओनर है ये मुझे बैन कर सकता है या फिर ये मेरे पे किसी तरह का नोटिस भेज सकता है, बट मैं उस पर्टिकुलर कंटेंट के नीचे या तो उसका मैं कोई एक सोर्स लिंक दे दूंगा या फिर इस कंटेंट को मैं रीराइट कर दूंगा। ठीक है, सारे प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। अब मुझे क्या करना है गाइज, यहीं पर ही मुझे एक प्लेजरिज्म चेकर का एक टूल मिलता है जिसको मैं ओपन कर लेता हूं। अब मैं इसी कंटेंट को इसी टूल स्मॉल SEO टूल्स के अंदर ही प्लेजरिज्म चेकर पर जाके मैं यहां पर चेक करूंगा कि क्या ये कंटेंट कहीं से प्लेजराइज तो नहीं है। तो गाइज मैंने इस कंटेंट को एज इट इज पेस्ट कर दिया जो कि मैंने वहां से कॉपी किया था, और यहां पर क्लिक कर दिया मैंने प्लेजरिज्म चेकर पे, तो एरर आ गया गाइज। ओके, ये 1000 वर्ड से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा गाइज,
मैं यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको दिखाना है, मैं यहाँ से थोड़ा बहुत डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से मुझे आइडिया मिल जाएगा गाइस कि ये कंटेंट जो है प्लेजराइज तो नहीं है, तो इस कंटेंट को प्लेजरिज्म चेकर से चेक करके मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइस इसने कर दिया स्टार्ट, यहाँ पर चेक करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंटेंट जो है 77% यूनिक है और 23% इसके जो लाइन है वो कहीं ना कहीं गूगल पे अवेलेबल है, एज यू कैन सी दैट। तो गाइस ये कुछ लाइन है जो गूगल पे अवेलेबल है, द रेस्ट पूरा जो कंटेंट है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अब मैं एक और स्टेप बता रहा हूँ जो कि अगेन बहुत अमेजिंग स्टेप है गाइस, वो यहीं से ही आप रीराइट प्लेजराइज कंटेंट को क्लिक करोगे। जैसे आप रीराइट प्लेजराइज कंटेंट को यूज़ करोगे तो आपका वो वाले लाइन भी बिल्कुल यूनिक हो जाएंगे जो लाइन आप प्लेजरिज्म के लिए छोड़ दे रहे थे। तो अब आपको छोड़ना नहीं है गाइज, आपको करना है रीराइट आर्टिकल पे। जैसे आप रीराइट आर्टिकल पे क्लिक करोगे आपका यही कंटेंट एज इट इज रीराइट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कैसे रीराइट होगा। फॉर एग्जाम्पल गाइज ये रहा आपका न्यू वर्जन, ये न्यू वर्जन है गाइज, लेकिन इस न्यू वर्जन को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये जो रीराइट किया गया कंटेंट है ये एक हेल्दी कंटेंट नहीं लग रहा है, इसके जो वर्डिंग्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, उस केस में आप उन वर्डिंग्स को यहाँ पर आके चेंज कर लेना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो गाइज, यहाँ पर चेक कर सकते हो ये रहा ओरिजिनल कंटेंट, ये ओरिजिनल कंटेंट है और ये रीराइट वर्जन है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, उसने क्या क्या चेंज किया है आप यहाँ से देख सकते हो। ओके तो ये दोनों में आपको चेंजेस कुछ ना कुछ जरूर नजर आएंगे, और खासकर सिर्फ ये वो वाले कंटेंट को रीराइट करता है जो वहां पर प्लेजराइज कंटेंट काउंट हुआ था, मतलब जो लाइंस प्लेजराइज कंटेंट हुआ था सिर्फ उसको इसने यहां पर चेंज कर दिया है। तो अब ये जो नया वाला रिजल्ट है गाइस, ये मुझे लग रहा है कि आपको यूज कर लेना चाहिए क्योंकि ये प्लेजरिज्म फ्री है। तो गाइस देखा कि ये कैसा एक जादुई तरीका है जिससे आप अपने प्रिंट मीडिया, किसी भी प्रिंट मीडिया के आर्टिकल को अपना बना सकते हो, वो भी एक झटके में, एक यू कैन से दैट क्लिक के अंदर, और फिर उसे रिराइट करके अपनी वेबसाइट के अंदर उसे लिख सकते हो और पूरा कंटेंट आपका, और कंटेंट जिसके पास आज के डेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यू कैन से दैट कि क्वांटिटी में है, उसका तो ट्रैफिक पक्का ही है क्योंकि गूगल इज आफ्टर ऑल द कंटेंट, जिसके पास कंटेंट गूगल उसका। तो गाइज ये था मेरा ट्रिक आज के बाद आपका हुआ, और मैं चाहूँगा कि आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करो, मैं चाहूँगा कि आप बहुत इसका यूज़ करके आगे बढ़ो, अपने ट्रैफिक को बढ़ाओ, अपने अर्निंग सोर्सेज को बढ़ाओ। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारे विशेस हैं कि आप लोग ग्रो करो, और मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से और जितना हो पाएगा मैं आगे भी करता रहूँगा। तो गाइज़ इस चैनल पे आप बने रहना, सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल और वैल्यूएबल था। तो गाइज वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।